हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो सिक्किम प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल एजुकेशन पर वीडियो मांग रहे हैं, कह रहे कि सर आप इस पर भी प्रिपेयर कर दीजिए। तो फिर मैंने आज जो है ये वीडियो फिजिकल एजुकेशन पर प्रिपेयर करी है। तो फिजिकल एजुकेशन में देखो, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो केवल एक गाइडेंस के लिए, कि आपको एक आइडिया हो सके कि आप कौन कौन से टॉपिक जो है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो थोड़े बहुत जो टॉपिक्स है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, विद आंसर्स लेकर आया हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। लेकिन अगर आपके टीचर पार्टिकुलर टॉपिक पर कहते हैं तो फिर आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि बस आप फिजिकल एजुकेशन पर कोई वीडियो बनाकर ले जाइए या आप प्रोजेक्ट बनाकर लीजिए, तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब पर आपको वीडियो प्रिपेयर करनी है, है ना। तो आपका ये फिजिकल का अगर सब्जेक्ट है तो ये वीडियो मेरा पूरा विश्वास है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, एक तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज जितना हो सके शेयर करो और लाइक तो करो ही करो। तो देखो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि देखो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्सक्राइब के बारे में नहीं पता, विशेषकर जो छोटी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार उनको मैं बता देता हूँ कि देखो सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं है, बस केवल एक आपका सपोर्ट है। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिल जाए तो काफी अच्छा हो जाए। जैसे ये चैनल हमने क्या करा, ओपन कर लिया, ठीक है, गूगल में ओपन कर लिया हमने, है ना। तो टेलीग्राम जो है चैनल मैंने वो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मिल सकता है आपको, इसमें तरह की जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके भी पीडीएफ मैं इसमें अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले जैसे आप कोई भी मेरी वीडियो उसे ओपन कर लेते हैं, जैसे आपने ये वाली वीडियो ओपन कर रखी होगी, है ना। तो एक मिनट, है ना, तो इस तरीके से आप ये देखिए ऐसा आएगा सब्सक्राइब, है ना। तो प्लीज प्लीज इसको आप प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और इतना तो आप कर सकते हैं, मैं इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे चार्टर के अंदर अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो प्लेलिस्ट में मतलब बहुत सारी वीडियोस मांग रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो उनको मिल नहीं रही, क्योंकि बार बार मुझे एक को ठीक है। तो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक था तो उस पर आ जाते हैं। तो देखो पहले जो मैंने फिजिकल एजुकेशन को जो बनाया है, ठीक है, देखो मेरा ये बताना बहुत जरूरी था, तो प्लीज आप कॉमेंट करना, आप कहना कि सर इतनी बड़ी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी तक जो मेन आपने बनाया वो बताया नहीं। देखो प्लीज मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, प्लीज सपोर्ट करना, है ना। तो फटाफट देखो कौन कौन से मैंने टॉपिक लगाए हैं। सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन दे देना कि भाई ये सिक्किम क्या है, ठीक है, कहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है। तो और भी है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले देखो जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आप उसे सिक्वेंस से कॉपी पर करेंगे, मतलब जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उस पर करेंगे। आप इसमें से कुछ ऐड, कुछ इसमें और चीजें डाल सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी तो आपके हाथ में रहेगी। देखो जो चीजें हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बस आपके हाथ में हुनर, आपके हाथ में कितने अच्छे से उसे करते हैं, कितना बढ़िया तरीके से उसे करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सम पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ सिक्किम, सिक्किम के कौन कौन से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। तो जैसे पहला स्कीइंग, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा रिवर राफ्टिंग, तो उसके बारे में बता दी, पिक्चर्स लगा दी, है ना। इस तरीके से पीडीएफ आपको जो मैंने एएसएस चार्टर का टेलीग्राम चैनल बनाया उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और प्लीज उसे ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो तीसरा ये है बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अब पढ़ आप एक एक लाइन खुद लेना, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ट्रैकिंग के बारे में बता दिया थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से कौन से मौसम में होते, कब से कब तक होते, तो ये थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है ये माउंटेनियरिंग है, किस तरीके से चट्टानों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, है ना। तो ये सिक्किम के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं सारी, ठीक है। और ट्रेडिशनल गेम्स कौन सी सिक्किम की, मतलब पुरानी गेम कौन सी, तो एक वो भी मैम ने यहाँ पर शेयर करी है, एसएचओ शो, ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको शो, है ना, इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे एडवेंचर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे एडवेंचर्स जो एक्टिविटी है सिक्किम की, ठीक है, वेयर टू एंजॉय, आप कहाँ का एंजॉय कर सकते हो, वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स वुमेन कौन है फ्रॉम सिक्किम की, ठीक है। तो जो अभी मैंने अलग से लिखा है, आप जो अभी पर्सनैलिटीज जो है ना उसके साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट स्टेडियम कौन सा सिक्किम का, ये बताया गया, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये केवल एक गाइडेंस के लिए, मैं ये नहीं कहता आप इसे कॉपी पेस्ट करो, आप अपने दिमाग से और अच्छे तरीके से करो जितना आप हो सकते हो। बस एक तरह से थोड़ी सी गाइडेंस मैं दे रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मेरे से हेल्प हो जाए और आपसे थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाए कि थोड़ा सा जो है आप समझ गए। प्लीज देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक भी जरूर करो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वैल्यूएबल है, नहीं है तो फिर तो मैं कहूंगा ही नहीं आपको, है ना। इस तरीके से देखो ये स्टेडियम के बारे में बता रखा है, स्टेडियम कौन सा है उसके बारे में, ठीक है। आप देख लीजिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ सिक्किम, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना कि जो वुमेन है उसको मैंने अलग से लिखा है, तो आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेजेस में अभी पूरे तरह से लगा नहीं पाया, इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कोशिश करी कि भाई मेन में आपको सारा दिखा दूं, है ना। इस तरीके से काफी टाइम होता तो ज्यादा टाइम हो जाता तो वीडियो अपलोड लेट होती तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, इसलिए ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर भी आपके साथ लगाइए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। उसके बाद ना स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, आप पेजेस अपने आप आगे पीछे कर लेना क्योंकि वीडियो तो आप देखोगे, है ना। तो इस तरीके से लगाना, जैसे स्पोर्ट मिनिस्टर इंडिया के सबसे पहले लगा देना इस तरीके से, ठीक है। ये सिक्किम के मिनिस्टर है, उनके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफी आपको हेल्प मिली होगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा से कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टूडेंट कहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है ना भाई, इतना तो बनता ही है, ठीक है। अरे हाँ एक चीज रह गई थी, यहाँ पर मैंने एडिटिंग नहीं करा था, ठीक है। मैंने अब एडिट कर दिया, यहाँ पर जो है सिक्किम लिख दिया था। अगर आप देखोगे ना लास्ट पे जो मैंने जो को दिखाया था स्पोर्ट मिनिस्टर इंडिया, इंडिया के हैं ये, इंडिया का लिखना था यहाँ पर, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ गए होंगे लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। किरण रिजिजू जो है वो इंडिया के हैं और ये जो है, ठीक है ना, कुंगजू निमा है लेपचा, ये जो है कहाँ के हैं, पूरे सिक्किम के हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आप नोट कर लेना। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर, वंस अगेन टू योर स्टूडेंट्स।